प्यासा कौआ की कहानी। गर्मियों के दिन थे, एक कौआ प्यास से बेहाल था और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, किंतु कई जगहों पर भटकने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला। वह बहुत देर से उड़ रहा था। लगातार उड़ते रहने के कारण वह बहुत थक कर चूर हो चुका था। उधर तेज गर्मी में उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह अपना धैर्य खोने लगा। थकान के कारण अब उससे उड़ा नहीं जा रहा था। कुछ देर आराम करने के लिए वह एक मकान की छत पर बैठ गया। वहां उसने देखा कि छत के कोने पर घड़ा रखा हुआ है। घड़े में पानी होने की आस में वह उड़कर घड़े के पास गया और उसके अंदर जाकर देखा। कौवे ने देखा कि घड़े में पानी तो है, किंतु इतना नीचे है कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। वह उदास हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे घड़े में रखे पानी तक पहुंचे। लेकिन फिर उसने सोचा कि उदास से काम नहीं हो चलेगा, कोई उपाय सोचना होगा। घड़े के ऊपर बैठे बैठे वह उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी दृष्टि पास ही पड़े कंकड़ों के ढेर पर पड़ी। फिर क्या था, कौवे के दिमाग की घंटी बज गई, उसे एक उपाय सूझ गया। बिना देर किए वह उड़कर कंकड़ों के ढेर पर पहुंचा और उनमें से कंकड़ अपनी चोंच में उठाकर घड़े तक लाकर घड़े में डाल दिया। वह एक एक कंकड़ अपनी चोंच में उठाकर घड़े में डालने लगा। कंकड़ डालने से घड़े का पानी ऊपर आने लगा। कुछ देर में ही घड़े का पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा उसमें चोंच डालकर पानी पी सकता था। कौवे की मेहनत रंग लाई थी, वह पानी पीकर तृप्त हो गया। सीख: समय चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, धैर्य से काम लेना चाहिए और उस कठिनाई से निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। धैर्य और बुद्धि से हर समस्या का निवारण संभव है।